जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल SC की जो महत्वपूर्ण वैकेंसी थी मुख्य सेविका की, केवल और केवल दोस्तों गर्ल्स के लिए थी, फीमेल के लिए थी। दोस्तों आपको बता दें कितने पोस्ट थे, तो आपको बता दूं मैं इसमें कि 2693, यानी बहुत बड़ा संख्या होता दोस्तों, 2693 बहुत बड़ी संख्या होती है मेरे साथियों। तो वैकेंसी आई थी अभी कुछ महीने पहले, हमने वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने कहा था सर इसका सिलेबस क्या होगा, वो तो आपने बताया नहीं। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा कि इसका सिलेबस, साथियों सब भ्रामक था। आज आपका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। तो सिलेबस क्या है, हम सभी चीज़ों बात करेंगे कि किस किसने दोस्तों डाला था फॉर्म, ठीक है, हर एक चीज़ बात करेंगे। आप बता दें 100 प्रश्न होंगे और 100 ही अंक के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का और 2 घंटे का समय होगा। इसके अलावा 1/4 क्या होगी, माइनस मार्किंग के साथ। तो हर एक चीज़ पर बात करेंगे साथियों। तो पहले हम आपको दिखाते हैं इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर इसमें पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कौन कौन इसका इलिजिबल था, ठीक, किस किस ने इसके फॉर्म डाले होंगे। तो कंपटीशन क्या है दोस्तों, इन सभी चीज़ों पे हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको बता दें अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आज है 31 अगस्त 2022। क्या है, 31 अगस्त 2022, यूपी ट्रिपल SC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीतल गोमती नगर लखनऊ, ये इसका क्या है मुख्यालय है। देखिए आवश्यक सूचना क्या बताया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अहिता परीक्षा, यानी जिसने भी दोस्तों पेट का पेपर दिया था 2021 में, ठीक है, जिस भी लड़की ने पेट का पेपर 2021 में दिया था, है ना, के अंतर्गत दोस्तों मुख्य सेविका पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या दोस्तों ये है 5/2022 में प्रकाशित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। दोस्तों आप बता दें कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, फॉर्म की डेट समाप्त हो चुकी है, ठीक है, और उक्त विज्ञापन बिंदु 10 के निम्नलिखित हेतु दोस्तों लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को आयोग की वेबसाइट पर यथाक्रम पृथक से प्रकाशित किया जाएगा, ये कहा गया था। तो वही चीजें साथियों पृथक से प्रकाशित कर दी गई हैं। आप बता दें तथानुक्रम में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ शासनादेश संख्या ये है 10 अगस्त 2022। क्या साथियों, 10 अगस्त 2022 द्वारा मुख्य सेविका पद की मुख्य परीक्षा हेतु स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है, क्या क्या है मेरे साथियों वो हम बताएंगे। देखिए आपको बता दें कि मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, कैसे होगा, हम हर एक चीज पर बात आपसे करने वाले हैं। देखिए लिखित परीक्षा एक पाली में होगी, केवल एक ही पाली में एग्जाम होंगे। और आप बता दें कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट का, 100 क्वेश्चन समय 120 मिनट। परीक्षा के प्रश्न दोस्तों वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाइज होंगे, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का होगा। और लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, जो कि दोस्तों 1/4 यानी 25% होगा। अगर मैं शॉर्ट भाषा में कहना चाहूं साथियों क्या क्या आएगा, देखिए आपसे बताते हैं कि इसमें हिंदी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, रीजनिंग आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों, जीएस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैथ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे सर क्या आएगा, तो जीएस के ही अंतर्गत, यानी कि दोस्तों जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, यानी मुख्य सेविका जिस पद से संबंधित है ना, तो वही चीजें आएंगी, यानी विषयगत ज्ञान पूछा जाएगा आपसे पूरा का पूरा 100 नंबर का और 100 ही अंक का होगा और 2 घंटे का समय भी होगा, ये चीज हम आपको बताना चाहते हैं। और माइनस मार्किंग दोस्तों क्या होगा, देखिए 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 120 मिनट का समय होगा, माइनस मार्किंग 1/4 होगा, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते 1 क्वेश्चन आपका सही वाला भी काट दिया जाएगा। तो पाठ्यक्रम हम बता दें दोस्तों कि कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बता दूं टोटल दोस्तों कितने 20 टॉपिक हैं। क्या 20 टॉपिक, कौन कौन सा है, पहला टॉपिक है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी। सेविका की दोस्तों जब आप सेविका हो जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, आपके काम क्या होंगे, आपकी भूमिका क्या होगी, ठीक, वो बताया जाएगा इसमें, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर दोस्तों विवाह क्या है, परिवार क्या है, जाति लिंग की असमानता क्या है, धर्म और भाषाएं क्या है, इनके बारे में पढ़ना होगा। तीसरा टॉपिक होगा कि सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं संबंधित मुद्दे क्या क्या होते हैं उनके बारे में। चौथा जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण के बारे में पढ़ना होगा।
पांचवा दोस्तों, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष और जातिवाद के बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा मेरे साथियों छठा क्या है, सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक नियंत्रण को नियंत्रण कैसे करें। और सातवां दोस्तों ऊर्जा, बेसल उपापचय, ठीक है। आठवां क्या है, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और दोस्तों वजन प्रबंधन क्या है। उसके अलावा भोजन के आवश्यक घटक यानी कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, विटामिन क्या है, खनिज क्या है, पानी क्या है, उनके स्रोत क्या है, कार्य क्या है, आवश्यकताएं क्या है और उनसे होने वाले रोग क्या है। दोस्तों ये सब चीजें आपके टॉपिक में है, ठीक है। नाइन्थ नंबर और दसवां नंबर क्या है, गर्भधारण दोस्तों और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, मतलब गर्भधारण समय क्या दोस्तों समस्याएं हो सकती हैं, संकेत क्या है, प्रसव क्या है, गर्भधारण के दौरान दोस्तों पुष्ट आहार की आवश्यकता क्या क्या होती है, आपको क्या क्या पुष्ट आहार लेना चाहिए, जन्म के चरण क्या है, प्रसव के प्रकार क्या है, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात के चीजें क्या दोस्तों, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ग्यारहवां क्या है, वृद्धि एवं विकास यानी शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, ठीक है, और दोस्तों भाषा विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोस्तों इनके बारे में बताना है। उसके अलावा 12वां नंबर क्या है, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके क्या है, कुपोषण और पूरक पोषण दोस्तों ये क्या है, ठीक है। 13वां क्या है, जीवन चक्र के दौरान पोषण यानी शैशवावस्था, बचपन, ठीक है, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर दोस्तों ये चीजें क्या होती है, इनके बारे में बताया जाएगा। अगला है, खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे करें, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, है ना, और खाद्य तालमेल के पोषक मूल्यों को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके क्या है दोस्तों, किस तरीके से हम पोषण बढ़ा सकते हैं खाद्य चीजों में तालमेल करके, ठीक है। और 15वां क्या है, बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। 16वां क्या है, प्रतिरक्षा यानी कि प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची क्या है, ये आपके 16वें नंबर चैप्टर का हिस्सा होगा। और दोस्तों 17वां में दोस्तों क्या है, रोग पूछे जाएंगे, रोग क्या क्या, तो बुखार क्या होता है, डिप्थीरिया क्या है, काली खांसी क्या है, टिटनेस क्या है दोस्तों, पोलियो माइलाइटिस क्या है, खसरा क्या है, तपेदिक क्या है, चिकन पॉक्स क्या है, हेपेटाइटिस क्या है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया दोस्तों कारण, है ना, इनके कारण क्या है, लक्षण क्या है, उनके इलाज क्या है, ये आपका रोग संबंधित तो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा परामर्श क्या है, इसका अर्थ क्या है, परामर्श का अर्थ क्या है, आवश्यक और तकनीकी क्या है, प्रभावी संचार क्या है और इसके कौशल क्या है। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी जो एजेंसियां हैं, चाहे WHO हो गया दोस्तों, यूनिसेफ होगा, है ना, UNSPA हो गया दोस्तों, UNDPA हो गया, रेड क्रॉस हो गया और इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड डेवलपर होगा, वेलफेयर हो गया दोस्तों, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया, इन चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम दोस्तों, यानी जन्म से पूर्व कौन से क्या होने चाहिए सावधानियां और जन्म के पश्चात कैसे कैसे टीकाकरण, कितने महीनों पर टीकाकरण, ये सब चीजें इसमें पूछी जाएंगी। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। टोटल दोस्तों 20 टॉपिक हो गए, इनको दोस्तों इंग्लिश में भी दिया गया है, देख सकते हैं। और मैं आपको बता दोस्तों कि इनकी हम क्लास, कुछ चैप्टर क्लास दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे अपने चैनल पे, ठीक है। जैसे दोस्तों इसकी कोई नई बुक आती है, जैसे हम दोस्तों उससे देखिए हम बहुत अच्छे से दोस्तों कुछ बहुत चैप्टर आपको हम करवा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो दोस्तों, और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ और भी अन्य प्रकार की PDF आपको मिल जाएंगी, जैसे जिसका नाम है दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या मांगा गया था फॉर्म भरते समय। देखिए साथियों, देखिए फॉर्म कब आए थे, ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 3/8/2022 से हुए थे और अंतिम समय क्या था 24/8/2022, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, वही चीज़ बताई गई। देखिए हम इसमें बताए थे कि कितने दोस्तों क्या पद हैं, ऑनलाइन दोस्तों आप आवेदन कर सकते थे, सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या, जो बच्चे डाल पाएंगे दोस्तों, बच्चे नहीं बच्चियाँ, यानी कि केवल और केवल फीमेल के लिए है, वही डाल पाएंगे जिन्होंने दोस्तों 2021 का पेट का एग्जाम दिया होगा। पहली चीज़ उसने पेट का एग्जाम दिया हो, और दूसरी चीज़ दोस्तों उसने क्या किया हो, ग्रेजुएशन साथ हो, किस सब्जेक्ट से किया हो, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि भैया केवल और केवल वही बच्चे डाल पाएंगे जिन्होंने दोस्तों पेट किया हो, और पेट के साथ साथ दोस्तों क्या किया हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों वही लोग डाल सकते हैं। देखिए अनिवार्य अर्हता क्या है कि पहली चीज क्या होना चाहिए दोस्तों, आपने पेट दिया हो 2021 वाला, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो साथियों, देखिए उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्ट आहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992
कि जो अनिवार्य अर्हता है क्या है साथियों, कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में से एक विषय के रूप में, जैसे समाजशास्त्र है या फिर दोस्तों समाज कार्य या दोस्तों गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ दोस्तों कला से, यानी कि केवल को दोस्तों आर्ट से आपने स्नातक उपाधि ली हो, ठीक है, क्या हो, केवल आर्ट सब्जेक्ट से, यानी दोस्तों बीए किया हो किससे, समाजशास्त्र से, समाज कार्य से, गृह विज्ञान से या फिर साथियों बाल विकास, इसके अलावा दोस्तों कोई भी डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी। आप कहेंगे सर हमने एमएड किया है, तो वो देखिए वो सब चीज़ें इसमें मान्य नहीं है। इसमें थोड़ी सी बताई गई है कि भैया किससे होना चाहिए, आपका समाजशास्त्र से होना चाहिए, समाज कार्य से होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए और पोषण एवं बाल विकास होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको इसमें एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों आपको बताई गई थी और इसमें बताया गया था साथियों कि इसमें 15 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। देखिए ये है आपका 15 गुना श्रेणीवार दोस्तों, 15 गुना अभ्यर्थियों की कटऑफ आपको लगाई जाएगी, है ना। परसेंटाइल स्थान दोस्तों क्या, कम से कम 2 स्थान तक हो, यानी कि 2 स्थान यानी कि 10 के ऊपर होना चाहिए, दशमलव के 2 स्थान तक दोस्तों आपको माइनस ना हो, बाकी सब लोग डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा दोस्तों, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसमें बताना चाहूं आप सभी को कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे साथियों, तो आपको मैं पहले बता दूं इसमें पद कितने हैं, 2693 के आसपास पद हैं, यानी हम अगर एक हिसाब से लगाते हैं दोस्तों 2700 मान ले, 2700 का दोस्तों 15 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे, ठीक है। कितना, 2700 का दोस्तों लगभग 15 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाने वाले हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलिए। और देखिए और अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए दोस्तों, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं दोस्तों, वहां हमने पूरी तरीके से इसमें बेहतरीन ढंग से दोस्तों एक तरीके से हमने पूरा बताया कि इसमें क्या कैसे क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से दोस्तों इसमें क्या आएगा और कौन कौन से बच्चे इसमें चुने जाएंगे और कितनी कितनी कट ऑफ हो सकती है दोस्तों, उसके बारे में हमने बात किया है। तो आपके लिए दोस्तों हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, एक बार जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।